कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। कश्मीर घाटी के कुलगाम में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चे के अध्यक्ष गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी को पाकिस्तान के कायर आतंकवादियों ने एक कायराना हमला करके उनकी निर्मम हत्या कर दी है। श्री गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता थे। अभी हाल ही में 5 अगस्त धारा 370 के 2 वर्ष समापन पर पूरे कुलगाम, अनंतनाग और लालचौक जैसे क्षेत्रों में बड़ी शान से तिरंगा झंडा फहराने वाले गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी की निर्मम हत्या पाकिस्तान के दरिंदे आतंकवादियों ने की है। एक बार फिर कश्मीर घाटी को इन दरिंदे पाकिस्तान के कायरों ने लहूलुहान किया है। पाकिस्तान और आतंकवादी कश्मीर को कब्रिस्तान बनाने की साजिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और आतंकवादी चाहते हैं कि कश्मीर को बुरी तरीके से लहूलुहान किया जाए। इन कायर पाकिस्तानियों को जमीन के पाताल से भी निकालकर मौत के घाट उतारेंगे। इन जालिमों को, इन कातिलों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी के कातिलों को मौत की सजा मिलेगी, खून का बदला खून से लिया जाएगा। हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस ने सारे एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इन दरिंदे आतंकवादियों का सफाया करेंगे। पाकिस्तान ने एक बार फिर सारी दुनिया के सामने अपना काला चेहरा दिखाया है। निहत्थे गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती पर कातिलाना हमला अनंतनाग चौक के लाल चौक में किया गया, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। पाकिस्तान मानवता का कातिल है, पाकिस्तान इंसानियत का कातिल है और ये आतंकवादी और पाकिस्तान इस्लाम के सबसे बड़े ये दुश्मन है। इन कातिल आतंकवादियों को चुन चुन कर हम मौत के घाट उतारेंगे। शहीद गुलाम रसूल डार साहब और उनकी श्रीमती जवाहिरा जी का ये बलिदान देश हित में जो हुआ है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन कातिलों को उनके इस जुर्म की और पाप की भयंकर सजा इनको मिलेगी।